नाम लिखूँ, ये मेरे पास हरन आया हुआ है, ये इधर से ख़राब है, यही से ख़राब है, लेकिन जो इसकी प्लेट है ना वो बिल्कुल नहीं है। इसको मैंने चेंज करने लगा था, मैंने सोचा वीडियो भी बना दूँ, आपको दिखा भी दूँ, आपके साथ शेयर भी हो जाएगा कि ये मैं कैसे चेंज करूँगा इसकी प्लेट। ये देखिए, प्लेट इस तरीके से खोलनी है कि ये ख़राब भी ना हो, क्योंकि प्लेट ख़राब बड़ी जल्दी हो जाती है, और ये भाई हमारे लिए तो बड़ी कीमती है। तकरीबन सारी नहीं खोलनी, बस आधी खोलनी है, कितनी आधी आधी खोल के बिल्कुल नई प्लेट थी, ये सिर्फ इस वजह से इधर नट ही नहीं लग रहा, पतली भी नहीं लगनी हारन की, नट नहीं लगना, और ये बिल्कुल नया हारन था, बिल्कुल नया। लेकिन अब ये ज़ाया है, क्योंकि इधर वेल्डिंग भी करवाते हैं ना, तो फिर ये अंदर कॉइल जल जाती है, जब भी ये हारन नकारा था। ये मेरे पास हारन आया हुआ है, इसकी प्लेट फटी हुई है, ये देखिए ये फटी हुई है, मैं प्लेट उतार के नई प्लेट लगाऊंगा। इसको जैसे मर्जी खोल लो, क्योंकि ये तो ज़ाया है प्लेट। सही है, सिर्फ पानी पूनी अंदर गया हुआ है, इसकी वजह से हल्का फुल्का इसमें मसला कोई भी नहीं है। ये भी आपके सामने इसकी आवाज़ निकाल के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मसला इसमें कोई भी नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है। डीजल लाजमी डालें, डीजल डालने से ना हारन की उम्र बढ़ जाती है, डीजल बहुत ज़रूरी है। ये आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, अगर मुझसे तैयार करवाना है तो मैं भी हाज़िर हूँ भाई, गुलालगंज में मेरी शॉप है, रबता नंबर मैं आपको मेंशन कर दूँगा वीडियो के साथ, तो जब मर्ज़ी आओ आप। ये देखेंगे ये प्लेट अपनी जगह पर लग गई है जैसे लगनी थी, इसको मैंने बस ये इधर से सेटिंग कर ली है इसी से। सेटिंग ऐसे ही होगी, हल्का हल्का, बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर से नहीं, ताकि प्लेट भी ना ख़राब हो और हारन आपका एक्स लाइक रोला रेडी। इसको जो सी मर्जी गाड़ी का हारन आप समझ सकते हो, ग्रैंडी का, रोला, टोयोटा, एक्स लाई, जी एल आई। Thank you.
ये कौन सी मर्जी गाड़ी में लगा लो, वैगन आर में लगा लो, मोटरसाइकिल पे लगा लो, लेकिन ये आप प्योर जापानी जा रहा होगी। अब इसकी पतरियाँ लगाऊंगा यार, ये लगी, ये लगी, और ये लग गया इसका पीछे वाला हिस्सा। और बाल बंदों के हॉर्न नहीं चलते, वो किस वजह से नहीं चलते वो भी मैं इसी वीडियो में आपको समझा देता हूँ। लेकिन इसकी प्लेट की सेटिंग लाजमी अच्छे तरीके से करनी है, और इसका एक फार्मूला होता है वो भी आपको भी समझाता हूँ। ऐसे ऐसे प्लेट हिला के देखनी है, ये जो मैंने लगाया पीछे नट इसके साथ टच तो नहीं हो रही, ये भी टच हो रही है, ये टच नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देंगे। इसकी दो तीन सेटिंग होती है, वो सारी आपको समझा दी, आवाज़ बिल्कुल साफ है। और ये करने के बाद इसकी एडजस्ट ये होती है, इसको लाजमी थोड़ा सा बाहर निकालना है आपने, ये बाहर निकालना ज़रूरी है। ये आपका जापानी हॉर्न ड्योटा का लो वाला पीस, एल वाला जिसको नर कहते हैं। ये तैयार हो गया, और बिल्कुल इसकी मैं एक साल की गारंटी दे दूंगा कि ये हॉर्न ख़राब नहीं होएगा, और ये वाकई गारंटी दे दूंगा कि ये हॉर्न ख़राब नहीं होएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल हॉर्न तैयार हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें, बहुत शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। मैं बाकी अपना नंबर देता हूँ, हॉर्न के मतलब कोई भी मालूम चाहिए हो मुझसे लाजमी रब्ता करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगा, वो लाइटों की होगी, कंघियों की होगी, शॉर्ट स्प्रिंग की होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।